सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को कष्ट दिया है। आप निरंतर देख रहे हैं कि आज सुबह भी ज्वाइनिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी में, और पूरे देश भर में बड़ी संख्या में, पांचों राज्यों में भी जहां चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है इस वक्त। इस अवसर पर, ज्वाइनिंग के अवसर पर, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे मीडिया सेल के सहसंयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। और कर्नल विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं कर्नल साहब के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। कर्नल रावत, जनरल बिपिन रावत, जो स्वर्गीय हमारे बिपिन रावत जी CDS थे, उनके छोटे भाई हैं। 34 वर्षों तक सेना में आपने सेवा दी है। इनके पुत्र भी भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। पूरा देशभक्तों का परिवार और देश के लिए न्यौछावर होने वाले लोगों का परिवार है। हम विजय रावत जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कर्नल रावत को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बुके और पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्रदान करें। दुष्यंत गौतम जी से भी आग्रह है कि अंगवस्त्र पहना के पार्टी में कर्नल साहब का स्वागत करें। मदन कौशिक जी से भी आग्रह है कि इस अवसर पर उनका स्वागत करें। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करूंगा कि शब्दों के माध्यम से कर्नल रावत साहब का पार्टी में स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद अनिल भाई। हमारे बीच में आज जब कर्नल रावत, जिनकी एक लंबी सैन्य पृष्ठभूमि है, और जनरल बिपिन रावत जो हमारे देश के पहले CDS थे, और उत्तराखंड के गौरव जिन्होंने सेना को हमेशा मजबूत करने का काम किया, उत्तराखंड के साथ उनका, क्योंकि उनकी जन्मभूमि थी और वो आगे उत्तराखंड में काम भी करना चाहते थे, मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कर्नल विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी एक सैनिक पुत्र हूं, और मेरा जो जनरल बिपिन रावत जी के साथ एक आत्मीय संबंध था, आज कहीं ना कहीं उनके निधन के बाद एक खालीपन सा हमेशा महसूस होता था। और आज जब हमारे बीच में, हमारी पार्टी में कर्नल विजय रावत जी शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सैनिकों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, करती है, और सिर्फ भाजपा करेगी। तो निश्चित रूप से आपके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। आप राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर आज आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आपका
जन्म 4 जुलाई 1962 को देहरादून में हुआ था। एनडीए में आपने 1981 में पास आउट हुए थे। इंजीनियरिंग करने के बाद सेना की ईएमई में शामिल हुए। सेना में आपने कई जगह काम किया है, सिक्किम, कश्मीर, राजस्थान और कई जगह भारत की सीमाओं पर भी आपने काम किया है। सेना में 34 साल सेवा करने के बाद आप सेवानिवृत्त हुए हैं। परिवार की परंपरा को निभाते हुए आपका बेटा जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत गोरखा राइफल में जहां कैप्टन के पद से जहां से उन्होंने अपनी सेवा शुरू की थी, आज उसी पद पर आपका बेटा भी काम कर रहा है। आपकी तीन पीढ़ियां सेना में रही हैं, तीनों पीढ़ियों का आपका आपके आप भी रहे हैं। आपसे पहले आपके पिताश्री रहे हैं, अब आपके बेटे भी हैं। तीनों पीढ़ियों ने सेना के लिए काम किया है। इस अवसर पर आज मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और मैं निश्चित रूप से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके आने से हमारी पार्टी, जो हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है और हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है, देश के अंदर वन रैंक और वन पेंशन लागू करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, जो लंबे समय से और भी सेना के लिए जो काम हुए हैं वो लगातार हमारी पार्टी ने किया है, हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं पुनः एक बार आपका बहुत स्वागत करता हूं। इस अवसर पर हमारे मध्य आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी हैं, हमारे नेशनल मीडिया के पूरे प्रभारी और राज्यसभा के सांसद हमारे नेता आदरणीय अनिल जी, हमारे संजय भाई, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा कर्नल साहब से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करेंगे। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर सकूं। बहुत दिनों से मेरी सोच थी, मेरे पिताजी जो थे जब उत्तराखंड नया नया बना था तो बीजेपी के साथ ही थे, फौज से रिटायर हुए थे वो, उसके बाद वो बीजेपी के साथ ही रहे थे। अब मुझे अवसर मिला है रिटायरमेंट के बाद कि मैं बीजेपी के साथ, और इसलिए क्योंकि जो अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो विजन है, उनका जो सोच है, उनका जो ख्याल है बहुत ही अद्भुत है, बहुत आगे तक बढ़ा हुआ है। कई लोग सोच भी नहीं सकते होंगे, वो उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो विचार है वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है और सारी उनकी नीति, सब कुछ जो उनका कार्य है केवल इस देश को आगे लाने के लिए किया जाता है। वही एक चीज है जो बहुत बड़ा प्रोत्साहन देती है हमें बीजेपी को ज्वाइन करने में। साथ में मैं माननीय उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद देता हूं, पहले भी इनको मैं मिला था और इनसे मैं बहुत खुश हुआ था, जो इनका नेतृत्व था, जो इनका विजन था वो सब देख करके पहले हमने बात किया था। इनका भी जो उन्नति के लिए, इस देश के लिए, उत्तराखंड के लिए जो कुछ प्लान है, जो करना चाहते हैं, वो एक बहुत दूर की सोच को समझ के कर रहे हैं। वो कल या आज या 3 दिन में नहीं हो सकता, बट अगर अच्छी उन्नति चाहिए उसके लिए उनको समय चाहिए थोड़ा। तो बीजेपी का जो समझने का ढंग है, कार्य करने का ढंग है, ये सभी को बहुत प्यारा है। और यही देखते हुए कि कोई मेहनती पार्टी है, कोई जो पार्टी है जो इस देश का असलियत में ही भला चाहती है, देखना चाहती है कि ये देश आगे बढ़े, चाहे वो सिक्योरिटी के उसमें हो, इंडिजनाइजेशन में हो, आपके इकोनॉमिक पैकेजेस में हो, किसी भी चीज में हो, इस पार्टी का इसमें बहुत बड़ा मतदान है और बहुत अच्छी सोच और समझ से कार्य चल रहा है। धन्यवाद।